वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो नन्हे बच्चों, आज आप लोग जो चैप्टर अभी लास्ट टाइम पढ़े हो उसके बेटा क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को राइट करके सेंड कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने आंसर राइट किया है, आप लोग उसको समझ लीजिए। ओके, तो सबसे पहला बेटा आप लोगों का क्वेश्चन है, राइट टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड। राइट टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों मिक्सर लिखा है और इस तरफ क्या लिखा है, कंपाउंड लिखा है। तो मिक्सर में बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है, अ मिक्सर एक्सेप्ट सॉल्यूशंस आर हेटेरोजेनस। अ मिक्सर एक्सेप्ट सॉल्यूशन आर हेटेरोजेनस, यानी सॉल्यूशन के अलावा जो भी मिक्सर होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोजेनस होते हैं। बट कंपाउंड्स आर होमोजेनस, लेकिन जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं। होमोजीनस और हेटरोजीनस मैंने आप लोगों को बताया है कि होमोजीनस क्या होता है और हेटरोजीनस क्या होता है। अगला, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। बच्चों मिक्सचर में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो भाग होते हैं, वो किसी भी प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मिक्सचर जो है राइस और पल्स का है, तो राइस और पल्स का कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, वो किसी भी प्रपोर्शन में या किसी भी अमाउंट में हो सकते हैं। बट कंपाउंड में द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी जो उसके भाग होते हैं, वो फिक्स अमाउंट में होते हैं, फिक्स रेशियो में या फिर फिक्स अमाउंट। ये देखिए बच्चों, वाटर है, वाटर आपका क्या है, एक आपका कंपाउंड है, और इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के फॉर्म में होते हैं। अगर बच्चों 9 ग्राम अगर आपका वाटर है, 9 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये बच्चों हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है ना, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, राइट टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स और मिक्सचर में दो डिफरेंस बताना बेटा। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर होते हैं, एलिमेंट्स प्योर होते हैं। इसके एग्जांपल बच्चों गोल्ड और कार्बन। गोल्ड बेटा सोना है ना, आपके घर में पेरेंट्स होते हैं, जैसे मम्मी है तो नोज में और इयर रिंग्स पहनती होगी, वो गोल्ड की होती है। और दूसरा बेटा कार्बन, कार्बन ब्लैक कलर का होता है, और गोल्ड किस कलर का होता है, येलो कलर का। और इस धरती पर जितने भी आपको सब्सटेंस या जितने भी लोग दिखाई देते हैं, लगभग सब में कार्बन जो है प्रेजेंट होता है। कार्बन का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। एक एग्जांपल बच्चों कोल, यानी कोयला, कोयला में मेनली क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है, इसलिए कोयले का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर आर इम्प्योर, यानी मिक्सचर जो है इम्प्योर होते हैं, ये शुद्ध नहीं होते हैं। लेकिन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये प्योर होते हैं, ये शुद्ध होते हैं। इसका एग्जांपल बच्चों एयर और चॉकिंग पाउडर। एयर क्या है बेटा, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये गैसों का मिक्सचर है। हम अपने एटमोसफियर में जो एयर देखते हैं है ना, तो उसमें कई सारे गैसें प्रेजेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आर्गन गैस है। और चॉकिंग पाउडर, ये देखो बच्चों चॉक है ना, इसको आप ग्राइंड करके वाटर में आप मिक्स कर दो, तो जो आपको मतलब सामने दिख रहा है उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। ओके बेटा, तो ये फर्स्ट और सेकंड का आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बेटा आपका आंसर थर्ड क्या है, क्वेश्चन है बच्चों, राइट द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। सब्सटेंसेस which shine and conduct heat and
आयरन और सिल्वर। फिर सीखा बच्चों मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें शाइन होता है ना। शाइन का मतलब होता है चमकना। ऐसे सब्सटेंस जिसमें चमक होती है और कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों पास हो सकती है, उनको क्या कहते हैं मेटल्स कहते हैं। सब्सटेंसेस विच शाइन एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट का मतलब होता है फ्लो होना, है ना। ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है और हीट भी फ्लो होता है। हीट का मतलब होता है बच्चों गर्माहट, है ना। तो हीट भी फ्लो हो और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग मेटल्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बच्चों, घर में जो कढ़ाई होती है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो वो उसका जो लेयर होता है वो किससे बना होता है, मेटल से बना होता है, एल्यूमिनियम से। और एल्यूमिनियम में क्या होता है बेटा, हीट कंडक्ट हो सकता है यानी वो गर्म हो जाता है ना, इसीलिए उसका हम लोग जो कुकिंग वेसल्स होते हैं खाने के बर्तन वो मेटल के ही बनाए जाते हैं, क्लियर। और उसमें चमक भी होती है, एल्यूमिनियम थोड़ा शाइन करता है। अगर वो शाइन नहीं करता है तो एक एग्जांपल आप लोग सिल्वर और गोल्ड को ले लीजिए। सिल्वर का मतलब चांदी, गोल्ड का मतलब सोना। घर में आप लोगों की जो ज्वेलरी होती है उनमें शाइन होती है, चमक होती है, क्लियर। और क्या लिखा है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है यानी उसमें से करेंट पास हो सकता है। घर में बच्चों जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स, वो कॉपर के बने होते हैं और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो ये कॉपर और एल्यूमिनियम ये दोनों क्या है, मेटल्स हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसीलिए इन मेटल्स का हम क्या बनाते हैं, वायर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हुआ। इसके एग्जाम्पल बच्चों कॉपर है, आयरन है और सिल्वर। और बच्चों ये सी क्या है, कॉपर का सिंबल है। एफ क्या है, आयरन का सिंबल है। और एजी क्या है, सिल्वर का सिंबल है। बेटा जैसे एडिशन का सिंबल प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन का माइनस होता है, उसी तरह ये सारे सिंबल्स हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है राइट द डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल सब्सटेंसेस विच डू नॉट शाइन एंड डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन क्लासेस। अभी स्टार्ट किए नॉन मेटल्स, है ना। नॉन एग्जाम्पल रेड तो बेटा क्या लिखा है, सब्सटेंसेस विच डू नॉट साइन एंड डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट मीडियम। सब्सटेंसेस विच डू नॉट साइन एंड डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जो न तो शाइन करते हैं और ना ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करने का मतलब फ्लो होना। जैसे बेटा कोल है, कोयला, कोयला में से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, नहीं ना। शाइन करता है, चमक उसमें होती है, नहीं, क्लियर। तो ये कोल भी आपका क्या हुआ, एक नॉन मेटल हुआ। बच्चों इसके लिए एग्जांपल बेटा कार्बन, क्योंकि बेटा कोल में नहीं थी कार्बन प्रेजेंट होता है इसलिए एग्जांपल ये। और दूसरा बेटा ऑक्सीजन, ये भी क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की बेटा प्रॉपर्टीज
क्या होते हैं। चलिए बेटा कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। चाहे आप कहीं से भी देख लीजिए, जैसे वाटर है बेटा, तो वाटर में आप वाटर कहीं से भी आप ले लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, मास रेशियो, वो कितना होता है 1:8 का है। अगर 9 ग्राम अगर आप वाटर कहीं से भी लेते हो, सपोज 9 ग्राम आप वाटर कहीं से भी लेते हो वाटर, तो इसमें 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन रहेगा और 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन रहेगा। फिक्स है, क्लियर। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ये कि वो कंपाउंड किससे बना है। जैसे बच्चों वाटर जो है किससे बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा अगर हम 9 ग्राम वाटर को लेते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन फिनिश होता है, और इसको आप एकदम अच्छे से ब्यूटीफुल राइटिंग में फेयर में आप नोट करिएगा, फिर इसको आप लर्न करिएगा। कल हम लोग बेटा नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।